हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एंड होम कुकिंग। मैं आज आपको लौकी कोफ्ता बनाना बताऊंगी। लौकी कोफ्ते का एक सीक्रेट जिससे आपके कोफ्ते का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम लौकी ली है, 3 मीडियम साइज के प्याज, 8-10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और 2 बड़े टमाटर। अब मैं लौकी को कद्दूकस कर लूँगी। प्याज को छोटा छोटा काट लिया और टमाटर को भी और लहसुन अदरक को भी मैंने काट लिया। अब मैं एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डालकर तेल गरम करूँगी और इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। पहले हमें लहसुन अदरक को धीमे आँच में 1 से 2 मिनट तक पकाना है। हमें इसे रेड नहीं करना है। इस तरह से धीमे आँच में लहसुन अदरक को भुनना है, इस तरह चलाते रहना है जिससे एक साइड नहीं दोनों साइड ही भुन जाए। अब ये भुन चुका है इस तरह से। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी जो हमने प्याज काटे हुए थे। अब प्याज को भी मैं 1 से 2 मिनट तक भूनूँगी, सुनहरा कलर हो जाए तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हम धीमे आँच इसी तरह से थोड़ी देर पकाएंगे। अब प्याज टमाटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करके चलाएंगे और इसमें अब मैं 1/2 छोटे चम्मच नमक ऐड करूंगी जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे। और इस तरह से मैं नमक को मिक्स करके मैं इसे ढक्कन ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी और फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और थोड़ी देर बाद मैं इसे इस तरह से मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1/2 कटोरी बेसन लिया है और मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सादा नमक, थोड़े से जीरे, थोड़ी सी साबुत धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इन सबको मैं इसमें मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से बेसन डालकर भी मिला लूँगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। अब मैं इसके छोटे साइज के छोटे छोटे कोफ्ते बनाऊँगी। और एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है लो फ्लेम पर। मैं इसे धीरे धीरे इस तरह से हाथ से गोल गोल साइज देकर इस तरह प्रेस करके कोफ्ते बनाऊंगी। और सारे कोफ्तों को हम ऐसे एक एक करके डालेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही रखना है जिससे अंदर तक कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएं। एक एक करके इस तरह से हम डालें। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे कोफ्ते इसलिए बनाए जिससे अच्छी तरह से पक जाएं। और मैं एक एक करके जो भी कोफ्ते हमारे पक रहे हैं उनको मैं एक एक करके निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए, हमारे कोफ्ते कितने अच्छे गोल साइज़ के बने हैं और पक भी चुके हैं। इस तरह से मैं करके एक एक करके सारे कोफ्ते निकाल लूँगी। अब मैं कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। हमारा तेल गर्म है, मैं कुछ मसाले एक बाउल में ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच 2 चम्मच धनिया पाउडर मैं डालूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे फूलने के लिए रख दूँगी जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और मसाले भी अच्छी तरह से भीग जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें टमाटर और प्याज की प्यूरी डालूँगी और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए। मीडियम फ्लेम करना है। अब इस तरह से हमें धीरे धीरे करके चलाना है इसे, और जिससे मसाला हमारा नीचे चिपके नहीं हमें चलाते रहना है। और हम सारे मसालों को भी जो मैंने भिगा के रखे थे उसे भी ऐड कर लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुका है। हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। और इसमें जो मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट, मैं इसमें 1/2 कप दूध डालूंगी। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है कोफ्ते का और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी भी ऐड करूंगी
थोड़ा सा चलाने के बाद, जिससे हमारा दूध फटे नहीं। अब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी और चारों तरफ जो हमारी ग्रेवी लगी उसको भी अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई भी करके उबाल आने तक इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आने शुरू हो गए हैं। दो तीन उबाल आने के बाद हमारी ग्रेवी लगभग पक जाएगी और हम इसमें अपने बनाए हुए कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि कोफ्ता पहले तेल पर पक चुका है। और ये देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अभी इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इस तरह धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।